इस नवरात्रि कीजिए माँ जगदम्बे की आराधना डांडिया रास एवं गरबा के साथ। दिनांक 1 अक्टूबर, स्थान लक्ष्मी नारायण पैलेस पनखेड़ी। साथ ही गुजरात से आए प्रशिक्षक द्वारा गरबा क्लासेस। पिछले कुछ दिनों से पिपरिया में विपक्षी पार्टी भाजपा के प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध के सुर हो रहे हैं तेज, जहां शुक्रवार को भाजपा के जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं आज शनिवार को भाजपा युवा मोर्चा के नौजवान कार्यकर्ताओं ने डीजल पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। शुक्रवार को भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पिपरिया के मंगलवारा चौराहा पर धरना दिया एवं एसडीएम को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। 75 बिंदुओं का वचन पत्र, घोषणा पत्र की वचन पत्र प्रदेश की जनता को चुनाव के पहले से कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 75 बिंदुओं पर प्रयास करके जनता को राहत। 75 बिंदुओं में हमने आज 75 बिंदुओं का पत्र निकाला है। उन 75 बिंदुओं में एक भी किसी बिंदु पर सरकार की नहीं बनती। दूसरी जो बात हुई है अतिवृष्टि की वजह से प्रदेश की फसलें 32 जिले अतिवृष्टि की चपेट में है, वहाँ पर जो फसलें खराब हुई उसको किसी प्रकार का मुआवजा देने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई। पूर्व की सरकार जब हमारी सरकार थी आपदा प्रबंधन इतना सख्त रहता था, जैसे ही घटना घटी अगर अतिवृष्टि हुई है ओलावृष्टि हुई, दूसरे दिन हमारा पटवारी हमारा एसडीओ हमारा रेवेन्यू का जो बड़ा पूरा जाकर 3 दिन के अंदर हमको रिपोर्ट देता था। आप भी देख रहे हैं इतने लंबे समय से अतिवृष्टि हो रही है, आज तक कहीं भी किसी प्रकार का मुआवजा देने की कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। इसीलिए सरकार को जगाने के लिए किसान हित में आज हमने धरने का आयोजन आज धरना प्रदर्शन किया है। और मध्य प्रदेश की सरकार जब से कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, विगत 10 महीनों से जो सरकार ने युवाओं से रोजगार के लिए वादा किया था और किसानों के लिए जो 2 लाख रुपए माफ़ करने की बात की थी, उसके खिलाफ हमने सभी ने आज धरना प्रदर्शन किया। सरकार ने भी आज तक जब से बनी है तब से लेकर अभी तक ना ही उन्होंने युवाओं की चिंता की है और ना ही उन्होंने किसानों के हित में कोई काम किया। वहीं आज मंगलवार चौराहा पर पिपरिया भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा जन विरोधी नीति के तहत डीजल एवं पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि करने एवं जनहितैषी योजनाओं को पूरा न करने पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। पुतला दहन करने वाली इस घटना ने एक नाटकीय रूप लिया। शनिवार को कृषि उपज मंडी में चलित कार्यक्रम आपकी सरकार आपके द्वार के कुछ समय बाद पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने की तैयारी में हैं। इसके बाद मंगलवार पुलिस तत्परता दिखाते हुए मंगलवार चौक पर पहुंची और वहां पर एकत्रित कार्यकर्ताओं को खदेड़ कर उनसे पुतला छीन लिया। लेकिन इस सारे घटनाक्रम ने नया मोड़ तब लिया जब युवा मोर्चा के सदस्यों ने चौक से थोड़ी दूर एक अन्य पुतले को तुरंत आग लगा दी। वहीं दूसरी ओर मंगलवार थाना प्रभारी प्रवीण कुमरे ने बताया कि इस संबंध में ज्ञापन दिया गया था। जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और तत्काल पुतले को छुड़ा लिया गया। फिर भी अगर इस सारे घटनाक्रम में कोई आहत होता है तो संबंधित पुतला दहन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एनवी टीवी के लिए पिपरिया से चैनल हेड ओम प्रकाश रघुवंशी की रिपोर्ट। पंडित कमल किशोर भार्गव, नर्मदा पुराण एवं भागवत कथा करवाने हेतु संपर्क करें। बाईपास रोड, सरस्वती कॉलोनी, बनखेड़ी।